सुर्खियों से परे थे आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं दिल्ली की एक निचली बस्ती में चल रहे इस बाल भवन केंद्र से। चित्रकारी की कला को सीख रहे ये बच्चे वैसे तो देश के किसी भी अन्य बाल भवन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये केंद्र कुछ अलग है। इस केंद्र में आने वाले ये सभी बच्चे इस निचली बस्ती में ही रहते हैं और अधिकांश के माता पिता मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। इन बच्चों में कईयों को जबरन ही बाल मजदूरी की गर्त में खींच लिया जाता है। ऐसे माहौल में पढ़ने वाले ये बच्चे देखिए इन चित्रों में कितने सुंदर रंग भर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी भी। ये कमाल किया है इस केंद्र में काम करने वाली रंगम्मा ने। 20 साल से वो इस बस्ती में ही रह रही है और यहाँ के बच्चों को कला के पथ पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसी जगह भेजो जहाँ की कोई और टीचर ही नहीं जाना चाहती। तो उस टाइम यहाँ सीट भी खाली थी स्लम एरिया में, तो उस टाइम मेरे को सिर्फ 420 रुपए मिलते थे और जो वहाँ की मेरे को पोस्ट ऑफर हुई थी वो 4000 की थी। तो वहाँ भी छोड़ के मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। यहाँ आके मैंने देखा बच्चों में जो जज्बा है, कुछ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से प्रॉब्लम्स है यहाँ की और बाल मजदूरी है, उनको जब पेरेंट्स नहीं कमाते तो बच्चों को अर्निंग करनी पड़ती है क्योंकि भूख से लड़ने की होती है। भूख तो सबको लगती है, बच्चों को तो कुछ ज्यादा भूख लगती है। रंगम्मा मूलतः आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया जिस वजह से वो एक स्वयंसेवी संगठन के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BFA में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और वो इन बच्चों के बीच आ गए। कलाकार तो बचपन से ही मेरे को शौक था, तो मैं ऐसे संस्था में रही 20 साल, वहां से मेरा मतलब शुरुआत थी। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर कॉल, उन्होंने मेरी कला को उभारा। उसके बाद मैं उनका ज्यादा वो था कि मतलब मैं अपनी लड़की को BHU भेजूं, मतलब जैसे पेरेंट्स का होता है गाइडेंस होती है, तो वो चीज मैं अपने यहाँ नांगलोई के बच्चों को देना चाहती थी। बाल भवन केंद्र में 16 साल की आयु सीमा से अधिक के बच्चों को आने की मनाही है। ऐसे में उन्होंने बड़े बच्चों के लिए एक अलग स्वयंसेवी संगठन की शुरुआत की। इस संगठन के जरिए वो बड़े बच्चों को चित्रकारी सिखाती है। इस केंद्र के कई बच्चे अब तक देश के नामी आर्ट कॉलेजों में दाखिला पा चुके हैं, कई और भी हैं जो इस कतार में हैं। हालांकि आर्थिक तंगी इस राह में एक बड़ा रोड़ा है। हमारे बच्चों के पास पेपर नहीं होता, वो नहीं होता तो दीवार पे करते, चारकोल कोयला ले आते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें हमको सारी, अब धीरे धीरे फिर बच्चे कमाते हैं तो अपना बाहर से जब कॉम्पिटिशन में से कैश मिलने लग गया तो सबसे पहले उस कैश से अपना मटेरियल लेकर आते। तो मैं सोचती हूँ अगर हमको कहीं से या गवर्नमेंट की तरफ से भी, अब हमारे बाल भवन में पहले अच्छा काफी सारा फंड वगैरह मटेरियल वगैरह आता था, और कुछ अपनी पर्सनल की है तो वो भी नहीं आ रहा। तो इस टाइम कि अब बैठने की जगह आपने देख ली कि हम कैसे बैठते हैं, बारिश होती है तो पूरा टपकता है, फिर अंदर के कमरे में भी नहीं बैठ सकते। तो इस टाइम मैं ऐसी उसमें हूँ कि अगर कोई अच्छे NGO वगैरह कोई भी हमको कुछ फंड वगैरह का हो सकते हैं तो कुछ मेरे बच्चों को, हमारे पास बैठने के लिए दरी भी नहीं है। इस केंद्र में ही
हम मिले उनके पहले शिष्य से। इस केंद्र से निकलकर आर्ट कॉलेज में दाखिला पाने वाले ये पहले थे। स्टार्टिंग से ही ड्राइंग का थोड़ा सा था, फिर मैम से मिला था, फिर छोटा भाई स्कूल में पढ़ता था, कोई घूमते घूमते मैम ने ड्राइंग्स का भी चले गए। मुझे पता नहीं था कि बीएफए क्या होता है, सब कुछ इन्होंने बताया कि बीएफए कहाँ होगा, कैसे कोर्स होगा, एंट्रेंस की तैयारी कैसे होगी, ये सब चीज़ की तैयारी सब मैम ने कराया। तो आज फिर दोबारा से मुझे लगा कि जब मैं स्टैंड हो गया अच्छी तरह से मैरिज वगैरह होने के बाद, मुझे लगा कि अब मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ से फिर मैं निकल के आया। तो अब लगता है कि अभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ कि मुझे लगता है कि यार अब मुझे इनको सिखाना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है कि अपना जैसे अब मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, फोटोग्राफी का भी अपना कुछ खुद टीचिंग भी करता हूँ, टीचर्स को मैं ट्रेन करता हूँ। और ये है कि बस मैम की से सारा कुछ हुआ है, आज अच्छा लगता है। इस केंद्र में इस वक्त 10 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट कॉलेज में दाखिले के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। हमने इन बच्चों से भी बात की। एक्चुअली मैं जब मैं 8th 9th क्लास में था तो मेरे को स्टडी में इंटरेस्ट था, तो मैं स्टडी पे ध्यान देता ज्यादा, बट मुझे 9th क्लास में पता लगा, ड्राइंग का शौक था शुरू से, बट 9th क्लास में यहाँ के बारे में पता लगा, रंगमा मैम के बारे में पता चला, तो फिर यहाँ पे आना स्टार्ट किया। शुरू हुआ धीरे धीरे, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ सीखने लगे, काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ, और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, फिर लगने लगा कि हाँ ड्राइंग में कुछ और ज़्यादा फ्यूचर हो सकता है। फिर मैम ने हमें और ज़्यादा इंस्पिरेशन दी कि हाँ कर सकते हो, तो फिर हमने और ज़्यादा किया। फिर 12th के बाद मैम ने और जो हमारे सीनियर्स भैया वगैरह उन सब ने हमें गाइडेंस दी कि आप बीएफए कर सकते हो ये वो, फिर एंट्रेंस दिया। मेरा फर्स्ट टाइम में हो नहीं पाया था पता नहीं क्यों, बट सेकंड टाइम में मुझे अच्छा लगा, मेरा मतलब बीएफए में फर्स्ट रैंक आई और बहुत अच्छा लगा मुझे। आज से हम अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को चेंज कर सकते हैं। मैंने मास्टर पास आउट करने के बाद अपनी सोसाइटी, मेरा जो अपना पर्सनल वर्क है तो मैं अपनी सोसाइटी को ही दिखाता हूँ उसमें, जो अपना एज ए, मैं कह सकता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ एज ए कंटेम्प्रेरी जर्नी में करता हूँ, तो मैं उसमें अपना अपने आसपास का एटमोसफियर जो मैं फील करता हूँ, जो मैं डीडीसी में जाता हूँ, जब मैं सड़कों पर देखता हूँ कि बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, तो मैं उनकी फीलिंग्स को अपने काम में उतारने की कोशिश करता हूँ। और अभी फिलहाल मैं एक मतलब मैं ऐसे जैसे एक ये तो एक छोटा सा डेमो है, इस तरह से मैंने कुछ 3D स्ट्रीट वर्क किया है जिसको 3D स्ट्रीट आर्ट कहते हैं। तो उसमें भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि लोग आम आदमी को आर्ट से जोड़ा जाए, क्योंकि आर्ट ऐसा मीडिया बन चुका है जो कि एक रिच लोग कहते हैं कि तो भाई अमीरों का शौक है, गरीब गरीबों का कोई काम ही नहीं आर्ट करना। लेकिन मैं लोगों की बात को गलत ठहराना चाहूँगा, क्योंकि आर्ट किसी की वो जागी नहीं है, आर्ट एक गॉड गिफ्ट है जिसको कोई भी चाहे गरीब हो चाहे अमीर एक ही लेवल पर अच्छे से यूज कर सकता है। और मैं अपने आर्ट के थ्रू और अपने मैन के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा कि एक अच्छा आदमी बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें आर्ट की जरूरत करनी चाहिए, चाहे वो आगे फ्यूचर में जाके चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने या म्यूजिशियन बने, एक बार आर्ट जरूर ट्राई करनी चाहिए। दिल्ली के एक कोने में इस सीरन भरे कमरे में चल रहे बाल भवन केंद्र में प्रतिभा की भरमार है। रंगम्मा एक कैंसर की मरीज है, उनके शरीर का एक हिस्सा लकवा ग्रस्त हो चुका है। अभी मैं शारीरिक रूप से अपंग हूँ, बिल्कुल कैंसर है मेरे को, और हाफ बॉडी में पैरालिसिस भी है, ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज में, पर जो मेरा हौसला है मेरे बच्चे। इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये केंद्र आगे की ओर बढ़ रहा है। इन बच्चों के मन में भरे इस जोश को देखकर यकीन होता है कि इरादे अगर मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं।